हेलो। हाँ जी। अरे स्वाति जी। हाँ जी बोलिए। अरे नमस्कार, ये स्टाइल से बोल रहा हूँ मैं। नमस्कार बोलिए। आपका लहंगा आपने दिया था अल्टरेशन के लिए, शादी है ना आपकी, कब है? हाँ परसों है। बस बस उसके अगले दिन आपको लहंगा मिल जाएगा भाई। अगले दिन मतलब? अरे दिन आपको पता ही नहीं क्या हो गया। क्या बताए, क्या हो गया? अरे नवाजुद्दीन सिद्दीकी इधर आए हैं लखनऊ ना, तो हाँ? उनकी जो है उनकी इधर वो चल रही थी फिल्म की शूटिंग। ओके। तो अब क्या है कि इस सिटी में आए थे, शूटिंग चल रही थी, तो उनको एक कॉमेडी सीन के लिए लहंगा चाहिए था, तो आपका लहंगा चूज करा उन्होंने और पहन के चले गए। पूरी फिल्म में आपके लहंगे कुछ नहीं तो 8-10 सीन होंगे। तो मेरा लहंगा नवाजुद्दीन क्यों पहनेंगे? मैम असल में मैं चकित हो गया, मतलब आपका फिगर और नवाजुद्दीन का फिगर एकदम मतलब मैच कर रहा था। व्हाट डू यू मीन मेरा फिगर? अरे और मैं उनका तो फिगर? मैं क्या, तो क्या बतमीजी है ये? नहीं नहीं मैं एकदम चकित हो गया मैम, मुझे लगा लेंगी आप तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी लगेंगी। मैं और नवाजुद्दीन सिद्दीकी कैसे सेम हो सकते हैं? पता नहीं मैम, मतलब एकदम फिट आ गया ना आप ही का लहंगा तो। एनीवे अभी देखिए वो लहंगा गया है शूटिंग के लिए गया है, जैसे ही आएगा वैसे आपको सूचना दे देंगे, आप लहंगा पिक करने आ जाएगा। आएगा का क्या यार, परसों मेरी शादी है, मैं क्या पहनूंगी? तो परसों शाम, परसों रात 8-9 बजे तक शूटिंग कवर अप हो जाएगी, उसके बाद हो जाएगा पैकअप जैसे होगा। अरे 8-9 बजे रात का क्या मतलब है? तो शादी भी तो रात ही में करोगे कि दोपहर में आपकी? अरे शादी रात में होगी लेकिन लहंगा तो पहले आना चाहिए ना, या मैं स्टेज पे जाऊंगी फिर आप मुझे लहंगा दोगे और मैं स्टेज पहनना स्टार्ट करूंगी, ऐसा थोड़ी होता है। देखिए देखिए आप जितने बजे कहोगे आपको लहंगा प्रोवाइड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बस थोड़ा सा जैसे आज देखिए गोबर लग गया था उसमें, तो वो गोबर साफ हो जाएगा। यार गोबर भी लग गया अब? तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी पहन रहे थे लहंगा आपका, ये सोचिए। अरे तो मैं क्या करूँ, नवाजुद्दीन पहन रहे थे, कोई भी पहन रहे थे, मुझे इससे नहीं मतलब है। एक काम करो आप ही रख लो वो। नहीं मुझे तो फिट नहीं आएगा, मैं थोड़ा सा हेल्दी हूँ। फिट नहीं आएगा उसका क्या मतलब है? मतलब पूरा मजाक बना के रख दिया है के, मतलब एक बार समझ में नहीं आता आपको, फिट नहीं आएगा इसका क्या मतलब है? नाराज मत हो, शांत हो जाओ, मैं प्रतीक बोल रहा हूँ, मैं प्रतीक बोल रहा हूँ रेडियो सिटी से, आपका उल्लू बना रहा हूँ। सॉरी सर।